आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आदित्य शर्मा आपको बताऊंगा सेक्शन 188 के बारे में। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो भी ऑर्डर अभी आ रहे हैं कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में, उसमें जनरली सेक्शन 188 लिखा होता है। ये 188 धारा क्या है? ये इंडियन पैनल कोड की एक धारा होती है और ये क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 188 जो है इंडियन पैनल कोड की जो ये धारा है, ये लगती है जब कोई पब्लिक सर्वेंट का कोई ऑर्डर निकला हो, जैसे डिप्टी कमिश्नर जो है मैजिस्ट्रेट होते हैं, और उस ऑर्डर को कोई मानता नहीं है, और अगर कोई इसे अनजाने में मतलब इसे मानता ही नहीं है, तो उस पर जो है एक मंथ की उसको सज़ा मिलती है और इसमें 200 रुपये फ़ाइन लगता है। पर अगर कोई व्यक्ति दोबारा करता है तो उस पर 1000 रुपये तक का भी फ़ाइन हो सकता है और उससे 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। पर इसमें क्यों ये होती है, अगर मान लो ये धारा क्यों लगा दी जाती है? देखिए, अगर सेक्शन 188 पे तब आप पे कार्रवाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन है और किसी की हेल्थ या किसी की सेफ्टी का सवाल जब खड़ा हो जाता है, यानी किसी की हेल्थ और सेफ्टी का सवाल है, तो अगर कोई इसे जानबूझ के या जानकारी होते हुए भी इस चीज़ को नहीं मानता है, तो उस पर ये सेक्शन 188 के तहत जो होता है कार्रवाई की जाती है। क्योंकि आपको पता है जो कोरोना वायरस है ये खतरनाक बीमारी है, तो ये आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट भी था 1897 को जो पास हुआ था, तो उसके तहत जब भी इस तरीके की बीमारी आती है तो सरकार के नियमों को मानना पड़ता है। तो इसलिए सेक्शन 188 जो है इसके तहत कार्रवाई होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।